हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैक पार्ट डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। तो यहाँ देखिए, मैंने पूरी लेंथ ली है 15 इंच, और यहाँ मैंने शोल्डर ली है 6 इंच, और फिर आर्म होल भी 6 इंच लेंगे, और फिर इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसे सीधा करके देखिए, यहाँ पे ऐसे राउंड शेप दे देना है आर्म होल के आकार का। अब फिर चेस्ट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, और फिर कमर का निशान लगाएंगे 8 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जितना हो आपका चेस्ट और कमर, तो उसके अनुसार उसका चौथा हिस्सा लग करके निशान लगा के कट कर लें। तो यहाँ देखिए, मैंने कट भी कर लिया। अब हम गले का डिजाइन बनाएंगे। तो जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच है, और जो गले की लंबाई है वो 10 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए, गले का डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसे लाइन को सीधा कर लेंगे बाक्सनुमा, ये देखिए। अब फिर इस पर डिज़ाइन हम बनाएंगे हॉट शेप में, हल्का सा उठाते हुए ऊपर राउंड शेप देते हुए ऊपर डिजाइन ये ऐसा बना लें। अब इसे अच्छे से कट कर लें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब इस अस्तर को हम मेन फैब्रिक पर भी ये कट कर लेंगे, रख करके सीधे सीधे। तो यहाँ देखिए, मैंने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो कमर पट्टी है उस पर हम कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे पलट करके बनाना है काफ़ी जी तरीके से। तो इस पर आप 1/2 इंच का पेयर लेते हुए उस पर सिलाई लगा दें, फिर ऊपर से ऐसे आपको एक सिलाई लगा देनी है, ताकि ये दूसरी तरफ आसानी से फोल्ड हो जाता है। तो ये बहुत ईजी तरीका है, आपको अलग से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से आप सिलाई लगा दें, फिर गले पर सिलाई लगा करके पलट देंगे, तो ये आसानी से दोनों काम हो जाता है। अलग से आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि बकरम लगाने की, ना पेपर पेस्टिंग लगाने की। ये बहुत ही इजी तरीका है। तो अब देखिए, जो अब हम गले पे सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ अच्छे से पिनअप कर लें। इस पे 1/2 इंच का पेयर देते हुए सिलाई लगाएं अच्छे से, और कॉर्नर पे अच्छे से कॉर्नर उसका बना करके सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पर देखिए, आसानी से कॉर्नर बन जाता है। आपको सुई बस उसमें लगे दे रहना है, और फिर इसे हल्का सा घुमा करके आप सिलाई लगा दें। तो आपको इस पर बकरम या पेपर पेस्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे देखिए, ऐसे कट कर लेना है अच्छे से। अब देखिए, इसे हाथ से ऐसे पकड़ करके, हाथ से ऐसे डाल करके, फिर आप इसे खींच लें, यानी दूसरी तरफ, ये आसानी से फोल्ड हो जाता है और अच्छा फिनिशिंग भी आता है। तो यहाँ देखिए, अब हम गले की जो कॉर्नर है उस पर सिलाई लगा देंगे अच्छे लुक के लिए, पूरे पे सिलाई लगा करके। फिर अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे चारों तरफ से, ये देखिए, इसे चारों तरफ से अटैच कर लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम डाट का निशान लगा करके डाट का सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, मैं 4 इंच पे ऐसे डाट का निशान लगा करके दोनों साइड से डाट पे सिलाई लगा देंगे। तो आपको इस बात का ध्यान भी देना है कि डाट पे आपको डबल सिलाई लगानी पड़ेगी, दोनों साइड से इसी तरह सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देखिए, मैं डाट है उसको भी स्टिच कर ली हूँ। अब देखिए, इस पे हम डिजाइन बनाएंगे गले पे। तो यहाँ देखिए, 3 इंच इसकी चौड़ाई है, और आप अपने फेवरी के अनुसार इसे काफ़ी लंबा अब कट कर लें एकदम सीधे तौर पे। अब देखिए, इसे 1/2 इंच का पेयर देते हुए सिलाई लगा दें। तो ये डिजाइन काफ़ी इजी और अच्छा लुक है, काफ़ी आसानी से बन भी जाता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसे अच्छे से देखिए, पूरे में सिलाई ऐसे लगा दें, और फिर इसे हम पलट देंगे। आप सुई के द्वारा या फिर किसी नुकीली चीज़ से भी इसे पलट सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से इसे पलट दिया है। अब इस पर आप
प्रेस लगा दें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऐसे आपको जहाँ पे सिलाई हुआ है उसी कॉर्नर पे ही सुई के द्वारा ये देखिए ऐसे सिलाई लगाती जानी है, थोड़े थोड़े गैप देते हुए। ये देखिए सुई की सहायता से एकदम नॉर्मली ये देखिए इसी तरह पूरा कर लेना है। ये देखिए एकदम सुई सुई की सहायता से ऐसे देखिए ऐसे डिजाइन बना लेना है। तो आप देख सकते हैं पूरा ये डिजाइन सुई की सहायता से ऐसे आपको खींचते जाना है और इसे अच्छे से फूल बनाना है। और जो नीचे का धागा है जो गांठ वाला है उसे खींच के पकड़ करके और सुई के जो उसमें धागा है दोनों को ऐसे गांठ गांठ लगा देनी है। ये देखिए दोनों साइड से खींच करके इसे अच्छे से गांठ लगा देनी है। अच्छे से इसे गांठ लगा के दो तीन गांठ लगाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फ्लावर बन गया है। तो अब देखिए मैंने डोरी बनाया है उसमें लटकाने के लिए लटकन के तौर पे। अब देखिए लटकन जो है एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, तो इस फ्लावर में हमें अटैच कर लेना है अच्छे से सुई धागे की सहायता से, उसमें अच्छे से अटैच कर लें चारों तरफ से। तो यहाँ देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब इसे नीचे लटकन लगा देंगे यहाँ इसमें छोटे छोटे करके के। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। तो आप देख सकती हैं मैंने फ्लावर तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा फ्लावर बना है। अब देखिए ब्लाउज पे डिज़ाइन हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं ब्लाउज के डिज़ाइन पे ये लेस लगा रही हूँ। अगर आपका कंट्रास्ट लुक में फैब्रिक बचा है तो आप फ्रिल बना के भी इस पर लगा सकते हैं, तो लेस से भी काफ़ी अच्छा ये लुक आएगा। तो यहाँ देखिए मैं लेस से ये सर्कल बना रही हूँ जो कुछ अच्छा लुक देगा इसी। यहाँ पर देखिए ऐसे आपको फोल्ड कर देना है, काफ़ी जी तरीके से ये फोल्ड हो जाता है। और देखिए इसमें फ्लावर को ही हमें अटैच करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सर्कल को कम या ज़्यादा बनाएं। तो यहाँ देखिए ऐसे इस पर सिलाई लगा देनी है अच्छे से, और देखिए ऐसे अच्छे से फोल्ड करते हुए पूरे कॉर्नर पे लेस की सिलाई लगा देनी है। ये काफ़ी अलग और अच्छा लुक है सिंपल तरीके से। इसे अच्छे से राउंड शेप देते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाएं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर जाके देखिए मैंने बहुत सारे डिज़ाइन डाले हैं अच्छे अच्छे लेटेस्ट मॉडल के। नेट फैब्रिक पे मैंने बहुत सारे डिज़ाइन डाले हैं, स्लीव्स के डिज़ाइन डाले हैं, बोट नेक प्रिंसेस के। तो आप ज़रूर चेकआउट करें फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक ये आ रहा है लेस लगाने से, काफ़ी जी तरीका भी होता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें हमें अटैच कर लेना है फ्लावर को। तो इसे अच्छे से अटैच कर लें। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये डिज़ाइन लग रहा है। और फ्रेंड्स इस पर आप फ्लावर के ऊपर कुछ बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये डिज़ाइन बन के आया है। और देखिए इसी तरह मैंने लटकन भी बना दिया है। अगर आपको इस लटकन का ट्यूटोरियल चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।